मोदी सरकार ने मुकेश मोदी की आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जड़ा ताला। लेटेस्ट न्यूज़ 30 नवंबर 2019, समय 10:49। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए ताज़ा ताज़ा न्यूज़ लेकर आते हैं, तो दोस्तों ऐसी एक न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, लास्ट में आगे खबर क्या है, चलिए दोस्तों सुनाते हैं पूरी खबर क्या आ जाइए। मोदी सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए शुक्रवार को प्रभावशाली कारोबारी मुकेश मोदी की अगुवाई वाली सैकड़ों रुपए की आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ACCSL के देश भर में फैले कारोबार का पर ताला लगाने का आदेश दिया। करीब 9,474,00,000 रुपये के घोटाले मामले में सम्मिलित ACCSL पर 20 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा जमा किए गए धन की हेराफेरी करने का आरोप है। बताते हैं कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO और आयकर विभाग गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ACCSL को बंद करने का निर्देश दिया था। ACCSL और पंजीकृत सोसाइटियां ACCSL केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सहकारिता विभाग के तहत एक अंतर्राज्य सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। कथित तौर पर कटवार राजनेताओं से संबंध रखने वाले मुकेश मोदी को SFIO ने अपने सहयोगी फर्जी कर्मियों में कर्ज और तौर पर हेराफेरी करने का आरोप बनाया है ताकि रियल इस्टेट में निवेश किया जाए। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विवेक अग्रवाल के आदेश के अनुसार ACCSL के संस्थापक मुकेश मोदी का संबंध 120 निजी कंपनियों से था। इन पर 120 कंपनियों में से 33 कंपनियों का सोसाइटी की ओर से 2,334.30 करोड़ का कर्ज दिया गया। फर्जी निकाली कंपनियां, आरोप है कि ये कंपनियां फर्जी निकली क्योंकि उनमें उनके दिए पते पर उनका कोई कारोबार कार्यालय नहीं चल रहा था। SFIO और आयकर विभाग ने इससे पहले कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें यह कहा गया कि मुकेश मोदी ACCSL ने 9,474 करोड़ रुपए की जमा राशि का संग्रह किया था। कर्ज और अग्रिम के तौर पर बकाया राशि 12,433 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 180 कंपनियां व व्यक्तियों को 12,406 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई जिसमें 122 कंपनियों का पूर्ण नियंत्रण मुकेश मोदी परिवार और उसके रिश्तेदार के पास था। गैर सदस्यों को दिया गया कर्ज। रिपोर्ट के अनुसार ACCSL के कई जमाकर्ताओं ने अपने बयान में कहा कि उनके द्वारा जमा की गई राशि उनके पासबुक में दर्शाई नहीं गई। जांच के दौरान पाया गया कि खाता बही में हेराफेरी और जमा राशियों को कर्ज के रूप में दर्शाया गया। CRCCL के आदेश अनुसार सोसाइटी अपने सदस्यों को कर्ज दे सकता है। हालांकि इस मामले में मुकेश मोदी की टीम ने मुकेश मोदी की टीम ने कंपनियों को कर्ज दिया क्योंकि सोसाइटी के सदस्य नहीं है देश भर में ACCSL के 800 सदस्य हैं और सोसाइटी ने 31 मार्च 2018 तक 9,349.50 करोड़ रुपए की राशि का संग्रह किया। SFIO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा मुकेश मोदी और अपने परिवार के सदस्यों को कंपनी में निवेश किया गया। आदेश के अनुसार मुकेश मोदी इन अनियमितताओं को लेकर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। मुकेश मोदी की सोसाइटी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सदस्यों के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए लिप्त पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार सोसाइटी ने कोई कोऑपरेटिव सिद्धांतों और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
99% कंपनियों में निवेश। ACCSL पिछले साल जब चर्चा में आई तब SFIO ने इसके प्रबंधक की जांच शुरू की और बाद में दिसंबर 2018 में सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक मुकेश मोदी की गिरफ्तारी हुई। जांच के दौरान पाया गया कि मुकेश मोदी के परिवार और उसके सहयोगियों ने 120 लाख जमाकर्ताओं से प्राप्त धन का 99% फर्जी कंपनियों के 180 खातों में कर्ज के तौर पर निवेश कर दिया। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ACCSL के खातों की जांच किए जाने पर फर्जी कंपनियों की संपत्ति का मूल्य सही राशि के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पाया गया। गौरतलब है कि मुकेश मोदी उनके परिवार के सदस्यों और देशभर में फैली कंपनियों की शाखाओं के अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वक्त मुकेश मोदी की धांधली में जितनी कमियां पाई गई हैं दोस्तों, वो कमियां इसमें पूरी नहीं दर्शाई गई। यहां तक कि निवेशकों की जो पासबुक होती थी उसमें भी उन्होंने कर्ज देने की ही एंट्री उस कॉपियों में पासबुकों में की है। तो दोस्तों, आपको बहुत गलत तरीके से छला गया और आगे भी जो अच्छी रिपोर्ट हमारे पास आएगी दोस्तों, आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ के साथ हमारा ज्वाइनिंग बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी जानकारी और मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो का।